जय हिंद। सेना के जवान ने एक ऐसा कृत्य किया है कि यूनिट के सीओ साहब को मजबूरी में उस जवान को पुलिस के हवाले करना पड़ा है। यूनिट के सीओ साहब ने मजबूरी में इस जवान को पुलिस के डीजीपी को हैंडओवर करना पड़ा। इस जवान के इस कृत्य से सेना को शर्मसार किया है, ऐसी संस्था को शर्मसार किया है, बेदाग संस्था को दाग लगा दिया। मामला बता दें, मामला आपने देखा है, यह मामला 3-4 दिन पहले का है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्रा का असली वीडियो बनाने वाला एक नाम सामने आया था, जिसमें एक छात्रा अपने साथ वाली और लड़कियों के बाथरूम में नहाती लड़कियों का वीडियो बना रही थी। और क्या है यह मामला, 3-4 दिन पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ, मुख्यमंत्री को SIT गठित करनी पड़ी, बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व हुए। तब पता चला कि एक छात्रा ही अपने साथ वाली छात्राओं के असली वीडियो बनाकर वायरल कर रही थी। जब उस छात्रा से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसके साथ उसके और कई दोस्त शामिल हैं, उसका एक दोस्त का नाम है सनी और एक रिंकल इन्वॉल्व था। आपको बता दूं, उनको शिमला पुलिस ने पकड़ा। जब उन सभी से पूछताछ की गई तो पता चला कि इसका मास्टरमाइंड तो संजीव है, संजीव जो कि इंडियन आर्मी में पोस्टेड है, इंडियन आर्मी में सेवारत है। इसका मास्टरमाइंड तो संजीव है और जो सेना में कार्यरत है, अरुणाचल प्रदेश में इस समय पोस्टेड है। फिर जब उस लड़के के मोबाइल की फॉरेंसिक जाँच की गई, उसने यह वीडियो किसको भेजा, तब उसका लोकेशन ट्रेस हुआ, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड है सेना का जवान संजीव। दोस्तों, संजीव ने सेना जैसी बेदाग संस्था पर दाग लगा दिया है, शर्मसार किया है सेना को। पब्लिक सेना को ये कितनी अच्छी नज़र से देखती है और ये संजीव जैसे सोच रखने वाले जवान सेना को किस तरफ ले जा सकते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इतनी बिजी लाइफ में रहते हुए क्या जरूरी है इस ऐसे कृत्य करने की, कैसे इनको समय मिल जाता है इन जैसे जवानों को इस तरीके के कृत्य करने के लिए। दोस्तों, आप जहां भी हैं, आप सबसे अनुरोध है, आप किसी भी गलत संगत में ना पड़े जो आपका और आपके परिवार का और सेना का नाम खराब कर सकते हैं। क्या होगा आप इस जवान के साथ, आप भली भांति जानते हैं। आप अपनी राय कॉमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। जय हिंद।